शहर में चल रहे अस्थायी अतिक्रमण हटाने को लेकर हो रही कार्रवाई के तहत व्यापार महासंघ के अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल की अगुवाई में शहर के व्यापारी आज नगर पालिका चेयरमैन बंसीधर सैनी से मिलने पहुंचे। व्यापारियों ने बताया कि तय सीमा का पता नहीं होने के कारण दुकानों के बाहर जो सामान रखे हुए थे उनको प्रशासन द्वारा कार्रवाई के दौरान उठाकर जब्त कर लिया गया है, जबकि वहीं पर थड़ी एवं ठेली वालों पर कोई भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। जिस पर चेयरमैन बंसीधर सैनी ने कहा कि तय सीमा सबके लिए एक समान लागू है और इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, जिसके लिए सबको पहले भी अवगत कराया गया था और दोबारा सबको इसके बारे में जानकारी भी दी जाएगी। यदि उसके बाद में भी कोई भी व्यापारी तय सीमा के बाहर सामान रखता है तो उस पर नियमानुसार प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी, जिस पर सभी व्यापारियों ने अपनी सहमति व्यक्त करते हुए पूर्ण सहयोग करने की बात कही तथा जब्त किए हुए सामान को वापस दिलवाने की गुजारिश की, जिस पर चेयरमैन बंसीधर सैनी ने शहर में जाम से मुक्ति के लिए सभी से सहयोग करने की बात कहते हुए आगे के सामान तय सीमा से बाहर नहीं रखने की हिदायत देते हुए जब्त किए हुए सामान को वापस दिलवाया। हाँ जी सर, आज व्यापारी लोग नगर पालिका में इकट्ठे हुए थे तो क्या डिमांड थी उनकी, क्या था? व्यापारी लोग ये कहना चाह रहे हैं भाई हमें हिदायत दो, पहले से बताओ कितनी दूर तक रखना है नहीं रखना है। हमने जो ट्रैफिक की व्यवस्था सुधारने के लिए जो कार्रवाई की उसके तहत कुछ लोगों का व्यापारियों का सामान भी जब्त किया था, सामान इन लोगों ने आके आश्वासन दिया है भविष्य में हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो उनको आगे सबको सामान दिलवाया ऐसी शर्त भी थी, आगे से वो ऐसी बात नहीं करेंगे, बैठ के एक मीटिंग करके सीमा तय करनी है कितनी बार तक वो रख सकते हैं या नहीं रख सकते। प्रशासन का काम है आम पब्लिक आने जाने वालों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए पूरी ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए कार्रवाइयाँ करनी पड़ेगी। बिल्कुल, तो आज ये लोग सब यहाँ पे आप सबको सामान भी वापस दे रहे हैं, वो इसी शर्त पे दे रहे हैं कि भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा, आगे नहीं रखेंगे ये लोग सामान। सहयोग के लिए इन लोगों ने मुझे आश्वासन दिया है, व्यापार संघ ने भी दिया है, इसके तहत इनका सामान वापस